विद्यालयों में भेजी गई पुस्तकों का खंड शिक्षा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्लॉक संसाधन केंद्र में शासन द्वारा भेजी पठन पुस्तकों को प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय व कन्या प्राथमिक विद्यालय में भेजने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों में भरी किताबों को रवाना किया। इस मौके पर कार्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। मालूम हो कि कोरोना कोविड के कारण सुचारू रूप से विद्यालयों में बच्चों की पढ़ने वाली पुस्तकें नहीं भेजी गई थी, मगर शासन द्वारा आई पुस्तकों का विकासखंड पनवाड़ी के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में भेजी गई पुस्तकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वही खंड शिक्षा अधिकारी ने अवगत कराया कि कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकें भेजी गई हैं, केवल 5वीं की संस्कृत पुस्तक बाकी है, वह भी समय पर विद्यालय में भेजी जाएंगी। और बताया कि हमने सभी विद्यालयों के अध्यापक आए, उनको कहा कि अपने विद्यालयों में अध्यापक गण समय से विद्यालय जाकर बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएं। कहा किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बारे में बताएं क्या? ये जो हमारी सरकार के द्वारा बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जानी है, उन्हीं को विद्यालय विद्यालय भेजने की व्यवस्था है। और कोविड के कारण जो कार्य देरी से हो रहा है उसको यथाशीघ्र, ये है कि सोमवार तक हमारा पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए इन किताबों को भेजने की व्यवस्था की है। तो क्या सर, ये वाहन हर ग्राम पंचायत में जाएंगे कि मतलब उसमें कौन से तरीके से? एनपीआरसी स्तर पर जाएंगे, न्याय पंचायत स्तर। हाँ जी, हाँ जी, फिर एनपीआरसी स्तर से फिर आपका ग्राम वाइज रूट चार्ट बनेगा। सर वही ये वो जानकारी बताएं कि इसमें मतलब कौन कौन सी कक्षाओं की किताबें? 1 से लगा के 8वीं तक की सभी किताबें हैं। और हाँ, कुछ किताबें नहीं हैं, जैसे 5वीं की संस्कृत नहीं है अभी, तो जैसे मिलेगी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक सर, ओके, थैंक यू।